आज के समय में पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश बन गया है जिसे हर बार दूसरे देशों से शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब हर देश में घूम घूम कर एक तरह से लोन की भीख मांग रहे हैं। फिर भी कोई भी देश पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज और देनदारी 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो गया है, जो पाकिस्तान के GDP का 89% हिस्सा है। और हाल ही में पाकिस्तान और IMF के बीच लगभग $7 बिलियन के लोन से संबंधित 10 दिनों तक लंबी वार्ता हुई थी, लेकिन आखिर में 10 फरवरी के दिन इस वार्ता का बेनतीजा अंत कर दिया गया, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को कई ऐसी कड़ी शर्तों को मानने को कहा जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को लोन दिया जाएगा, अन्यथा पाकिस्तान को लोन नहीं दिया जाएगा। अब पाकिस्तानी सरकार के अनुसार IMF ने ऐसी कई शर्तें रखी है जिसमें पाकिस्तानी जनता पर अनेकों नए कर लगाने की बात कही गई है, और एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान को IMF की शर्तों के अनुसार 170 बिलियन रुपए के नए कर पाकिस्तानी जनता पर लगाने पड़ेंगे, जिससे देश में महंगाई और बढ़ जाएगी। वहीं अगर IMF से पाकिस्तान को लोन नहीं मिलता है तो पाकिस्तान जल्द ही डिफॉल्ट हो जाएगा, और पाकिस्तान की ऐसी आर्थिक स्थिति होने के साथ ही पाकिस्तान को अब दूसरे देशों से मिल रही शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन बल्कि पाकिस्तान को उनके मित्र देश चीन, सऊदी अरब, टर्की और ईरान जैसे देशों से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। यानी आज पाकिस्तान दुनिया का वो देश बन चुका है जिसकी वैश्विक रूप से कोई भी देश इज्जत नहीं करता है, और ना ही कोई देश पाकिस्तान के जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। लेकिन परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है कि आज उनके मित्र देश भी पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं, और कोई भी देश पाकिस्तान की इज्जत क्यों नहीं कर रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्यों कोई भी देश आज पाकिस्तान की इज्जत नहीं कर रहा है? क्यों पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर हर बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है? पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है कि अब उसे हर देश से शर्मिंदा होना पड़ रहा है? वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के वर्तमान हालातों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो आज पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जिस देश के हर बीते दिन के साथ हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान में महंगाई दर अपने 48 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर महंगाई दर 27.55% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में आज पेट्रोल के दाम 250 रुपए के आसपास और डीजल के दाम 262 रुपए के आसपास हो गया है। दूध प्रति लीटर बढ़कर 150 रुपए हो गया है, यानी अब लोगों को जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए भी 1000 बार विचार करना पड़ रहा है। मेडिकल की दुकानों पर पाकिस्तानी जनता को मुश्किल से दवाई मिल रही है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP के अनुसार पाकिस्तान का वैश्विक मुद्रा भंडार अब मात्र $2.9 बिलियन ही बचा है, जिससे अब मात्र 2 हफ्तों की आयात ही हो सकती है। और पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार पाकिस्तान आंतरिक रूप से डिफॉल्ट यानी दिवालिया हो ही चुका है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को कबूल नहीं कर रहा है। इसके अलावा आज पाकिस्तान अपने ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान की सरकार के अनुसार अगर पाकिस्तान को IMF से $7 बिलियन का लोन नहीं मिलता है तो पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका की तरह ही हो जाएंगे, और पाकिस्तान भी दिवालिया हो जाएगा। अब पाकिस्तान के इन हालातों का जिम्मेदार भी पाकिस्तान खुद ही है। आज पाकिस्तान के साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं है। पाकिस्तान का सबसे प्रिय मित्र चीन भी आज पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है, और अपने पुराने लोन की किस्तों को भी वो वापस मांग रहा है। अब पाकिस्तान एकमात्र परमाणु संपन्न मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी कोई भी अरब देश उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, और अमेरिका जैसा पुराना मित्र भी आज पाकिस्तान को कोई लोन या फाइनेंशियल एड नहीं दे रहा है। यानी एक तरह से पाकिस्तान आज के समय में पूरी दुनिया से आइसोलेट हो चुका है। जिस भी देश में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जाते हैं वो देश पाकिस्तान की सहायता करने से साफ साफ मना कर देता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कोई भी देश आज पाकिस्तान की इज्जत करने को तैयार नहीं है, जिस कारण पाकिस्तान पूरी दुनिया से आइसोलेट हो चुका है, जिस बात को खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं।
इसका उदाहरण भी हाल ही में देखा गया जब पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज अमन जो हर 2 साल में अरब सागर में होती है उसकी शुरुआत की। इस साल 2023 में पाकिस्तान ने 110 देशों को इस एक्सरसाइज के लिए न्योता भेजा था, लेकिन मात्र 7 देश जिसमें अमेरिका, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, इटली और मलेशिया ही इस एक्सरसाइज में आए थे, और वो भी मात्र एक एक डिस्ट्रॉयर जहाजों को लेकर ही आए थे, जिससे पाकिस्तान के लिए ये ग्लोबल इंसल्ट यानी एक वैश्विक बेइज्जती का मुद्दा बन गया, क्योंकि इस एक्सरसाइज ने साबित कर दिया कि आज के समय में पाकिस्तान के साथ कोई भी देश मित्रता नहीं रखना चाहता है। अब आज के समय में पाकिस्तान की बेइज्जती का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की सरकार की गलत नीतियां है, क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण के कुछ सालों बाद ही वो सैन्य तानाशाह के नियंत्रण में आ गया, और कई सालों तक सैन्य नियंत्रण में रहने के कारण ज्यादातर यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान की सैन्य सरकार का समर्थन नहीं किया, जिस कारण लंबे समय तक पाकिस्तान एक आइसोलेट देश के तौर पर रहा। फिर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पाकिस्तान पर पिछले कई सालों से एशिया और यूरोप के देशों में आतंकवाद फैलाने के अंजाम लगे हुए हैं, क्योंकि ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े आतंकवादी का पाकिस्तान में मिलने के बाद अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के सामने पाकिस्तान की इज्जत कम हुई है, और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान का एक अहम रोल रहा है, जिस कारण ये साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान आंतरिक रूप से सैन्य तानाशाह और आतंकवादी सरकार का समर्थन करता है। इस कारण पाकिस्तान को कई बार FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, जिस कारण वैश्विक मंच पर आज पाकिस्तान की छवि एक ऐसे देश के रूप में बन चुकी है जो आतंकवाद का समर्थन करता है और आतंकवादियों को हथियार, ट्रेनिंग और दहशत फैलाने के लिए काफी धन भी मुहैया कराता है। और भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों के ज्यादातर आतंकवादी भी पाकिस्तानी ही होते हैं, लेकिन सामने पाकिस्तान इन हमलों को वैश्विक मंचों पर कश्मीरी लोगों की आजादी का विद्रोह बताता है। पर भारत इन आतंकवादी हमलों के पक्के सबूत UN जैसे मंचों पर दे चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादी छवि के बारे में सभी देशों को पता चलता है। तो भारत के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के कारण हर बार पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर आतंकवाद का समर्थन करने के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, और भारत का समर्थन करने वाले देश भी पाकिस्तान को ना के बराबर ही इज्जत देते हैं और पाकिस्तान का वैश्विक मंचों पर समर्थन भी नहीं करते हैं। इसके अलावा बीते सालों में ये देखा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने उन राजनीतिक पार्टियों का समर्थन किया है जो आंतरिक रूप से सेना का समर्थन करती है, और हाल ही में इमरान खान के सेना विरोधी होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को कोर्ट के माध्यम से बलपूर्वक उखाड़ फेंका और सेना के करीबी शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन पाकिस्तानी सरकार अपने जनता के सामने ऐसे उदाहरण पेश करती रहती है जिससे बाकी देशों को भी ये लगने लगा है कि पाकिस्तान में वर्तमान में सैन्य शासन चल रहा है, और इस सैन्य शासन के कारण ही आज पाकिस्तान में ऐसे हालात हुए हैं, क्योंकि अगर कोई भी देश पाकिस्तान को आर्थिक सहायता मुहैया कराता है तो इस लोन का ज्यादातर हिस्सा सेना के बजट में लगाया जाता है और जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता है। इस कारण तो यूरोपीय देश आजकल पाकिस्तान को मिलने वाली एड भी नहीं दे रहे हैं, जिसमें अमेरिका और फ्रांस इसका बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा पाकिस्तान की बेइज्जती का एक और कारण उनकी बीमार नीतियां भी है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार का एक धड़ा ये मानता है कि देश को चलाने के लिए धर्म, विचारधारा और दूसरे देशों के प्रति नफरत की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविक तौर पर किसी देश को चलाने के लिए न्यू पॉलिसी, डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत होती है, और पाकिस्तान उन देशों का समर्थन करता है जो भारत के विरोधी है, जैसे चीन और टर्की दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करते थे, लेकिन हाल ही में टर्की में आए भूकंप के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तब भारत की NDRF की टीम एयरक्राफ्ट, डॉक्टर और स्पेशल एड की सहायता से ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने टर्की की काफी मदद करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे समय में जब टर्की को भारत जैसे देश की जरूरत थी, तब पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस से भारत को मानवता मिशन वाले हवाई जहाज तक को नहीं जाने दिया, और जब इस बात का पता टर्की को चला तो अभी तक टर्की जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता था उसने भी पाकिस्तान की कड़ी निंदा की, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टर्की जाने के लिए रवाना होने वाले थे,
लेकिन टर्की ने शहबाज शरीफ को अपना देश टर्की में आने से मना कर दिया, जिससे पाकिस्तान को दुनिया भर के देशों के सामने एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ा। और टर्की के अलावा पाकिस्तान के पड़ोसी देश ईरान ने भी पाकिस्तान पर 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी लगाने की घोषणा कर दी है। और ईरान इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में भी चला गया, क्योंकि पिछले कई सालों से ईरान और पाकिस्तान, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसे पीस प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, उसे बनाने की योजना बना रहे थे, जिसके तहत ये गैस पाइपलाइन ईरान के साउथ पोर्च गैस फील्ड से होते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान और कराची तक लाना तय हुआ था। और साल 2009 में ईरान और पाकिस्तान ने 25 साल का गैस सेल परचेज एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिस एग्रीमेंट के तहत दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में पाइपलाइन का निर्माण 2014 तक खुद ही कर देंगे। अब ईरान ने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया और पाइपलाइन भी बिछा दी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हिस्से के 718 किलोमीटर पाइपलाइन का ना के बराबर काम किया है, जिससे ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। और एग्रीमेंट के मुताबिक अगर ये प्रोजेक्ट 2015 तक शुरू नहीं हुआ तो पाकिस्तान को प्रतिदिन $1 मिलियन ईरान को चुकाने होंगे। और इस 2023 में भी पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया है। इस कारण ईरान अब इंटरनेशनल कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर चला गया है और पाकिस्तान से $18 बिलियन की मांग कर रहा है, जो जायज भी है। यानी पाकिस्तान को अपने एक और पड़ोसी मित्र को इस प्रोजेक्ट के कारण खोना पड़ेगा, लेकिन इससे वैश्विक मंचों पर एक और दाग लग गया पाकिस्तान पर। इसके अलावा पाकिस्तान इन अरब देशों को धर्म के नाम पर इकट्ठा होने के लिए भी कह चुका है, लेकिन कोई भी अरब देश पाकिस्तान के साथ धर्म के नाम पर नहीं जुड़ना चाहता है और ना ही भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ अपने संबंधों को खराब करना चाहता है। जिस कारण सऊदी अरब के किंग सलमान ने भी पाकिस्तान को कई बार भारत विरोधी गतिविधियां करने के लिए दंड देने तक की बात कही है। और पिछले महीने सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $3 बिलियन की रकम तक वापस लेने की चेतावनी दे दी थी। यानी पाकिस्तान के धार्मिक राजनीति करने की वैश्विक चाल अब धीमी पड़ चुकी है और बाकी देश भी धार्मिक विचारधारा की जगह पर डेवलपमेंट को महत्व दे रहे हैं। यानी जब तक पाकिस्तान अपने इस धार्मिक विचारधारा को नहीं बदलता है, तब तक उसे वैश्विक मंचों पर शर्मिंदगी का सामना करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही शायद दुनिया के देश उन्हें इज्जत देने की शुरुआत करेंगे। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।